बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर है हमारा 7 और इसकी 7.3 एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। बच्चों ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में अच्छे स्टूडेंट्स भी ये कहते हैं कि ये थोड़ा मुश्किल है या ट्रिकी है, इसकी हमें समझ नहीं आती। तो आज इस वीडियो में आपके लिए आसान बनाने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को। बच्चों इसको अंडरस्टैंड करने से पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स का पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चों याद रखो जब तक आपके पास बेसिक कंसेप्ट किसी टॉपिक से रिलेटेड क्लियर नहीं होता आपको उसका प्रॉपर कंसेप्ट नहीं आ सकता। तो जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं, इसके पीछे क्या बेसिक कंसेप्ट है, क्या क्या चीजें आपको मालूम होनी चाहिए जिनकी बेस के ऊपर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेसिकली एक ट्रायंगल जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी थ्री साइड्स के दरमियान रेशियोज होती है। ठीक है बच्चों, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, हम यहां पर कोई एंगल कंसीडर कर लेते हैं, दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, इसकी तीन साइड होती है। हमेशा याद रखें थीटा के अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। जो जो बातें बता रहा हूं बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पास नोट कर लें ताकि आपको ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो इस टॉपिक की। और ये फिर होगा हमारे पास बेस, इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, राइट? ओके, अब इनकी साइड्स के दरमियान जो रेशियो होती है उसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। जैसे लेट सपोज हमारे पास साइन थीटा है, साइन थीटा एक रेशियो है। कौन सी दो साइड्स के दरमियान परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के दरमियान रेशियो है ये बच्चों? इसी तरह कॉस भी एक रेशियो है, टेन भी रेशियो है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हम कैसे याद करें इनको, हमें ये याद नहीं होती, क्योंकि इनको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बच्चों आपको ट्रिक बताता हूं, उस ट्रिक से बहुत आसानी के साथ आप इसको याद रख सकते हैं। ना सिर्फ याद रखेंगे बल्कि कभी आपको भूलेंगे भी नहीं। एक स्टेटमेंट याद कर ले, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है बच्चों, नंबर वन पे आपने पहली ये चीज अच्छे तरीके से समझ लेनी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है उसको हम कैसे याद करेंगे। तीन मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, टोटल 6 होती हैं। अगर आपको ये तीन आ गई तो बाकी की तीन आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप उनको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने स्टेटमेंट याद रखनी है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, और इसको तीन पार्ट्स में स्प्लिट कर ले, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर एंड थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। फर्स्ट अल्फाबेट इनका नोट कर ले, एस पी एच सी बी और एच, इसी तरह से टी पी और बी, ये नोट कर लिया। और पहले कॉलम में ऐसे इक्वल 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 लगाएं और फिर इस तरह बाय 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 लगाएं इस तरह से। ठीक है, एस से क्या बनता है, साइन, सी से बनता है कॉज, टी से बनता है टेन। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला रेडी हो गया, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। जब आपने स्टेटमेंट याद की होती है तो कैसे जल्दी से आप माइंड में क्वेश्चन को लेकर आएंगे। सुने, सम पीपल हैव साइन, ठीक है, साइन के लिए बोलेंगे सम पीपल हैव, ठीक है, सम पीपल हैव, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कर्ली ब्राउन हेयर कॉज, कॉज इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। टेन थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है बच्चों, ये आपके पास एक बेस्ट वे है इसको याद रखने का, जस्ट एक स्टेटमेंट को याद रखें, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ओके, उसके बाद जो बाकी के तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको याद करना अब आपके लिए मसला नहीं है, क्योंकि आपको ये तीन आ गई हैं। बस आपको ये याद रखना है बच्चों कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेकेंट, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। रेसिप्रोकल का मतलब होता है ओल्ट। ठीक है, मतलब अगर आपके पास साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है तो फिर साइन का रेसिप्रोकल यानी कोसेकेंट क्या होगा बच्चों? कोसेकेंट आपके पास होगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, मतलब एच ऊपर चला जाएगा पी नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कोसेकेंट साइन का रेसिप्रोकल है। ठीक है बच्चों, बस इतना सा काम आपने याद रखना है इसको, ठीक है, अच्छे तरीके से। ओके बच्चों, अब जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है इसमें हम क्या करेंगे जी, हमें दो ट्रायंगल को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, उसके जो साइड्स में एक रेशियो है वो याद रखनी है आपको, ठीक है, ताकि आपको ये क्वेश्चन क्लियरली अंडरस्टैंडेबल हो। इसको याद रखना बहुत जरूरी है, अच्छे तरीके से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन पॉइंट बताने जा रहा हूं आपको। अच्छा बच्चों, ये आपने सीख लिया कि ट्रायंगल की तीन साइड्स के दरमियान रेशियो होती है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने सीख ली। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है ना वो क्या है, वो ये है कि अगर आपके पास कोई एक ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल आ जाती है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल आ गए बच्चों, जिसमें कोई एक एंगल है 45 डिग्री का,
ठीक है। तो अगर कोई एक एंगल 45 डिग्री का आपको मिल जाता है तो इसका मतलब होता है तो जो इसका ये वाला एंगल होगा वो भी 45 डिग्री ही होगा। अच्छे से याद रख लें इस चीज को। क्यों बच्चों? कि एक ट्राइंगल का टोटल एंगल होता है 180 डिग्री। अब 90 तो अकेला यही हो गया, पीछे बचा 90, ये 45 है, अब ये भी 45 होगा तभी 180 कंप्लीट होगा ना। तो याद रखो अगर राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 45 है तो दूसरा भी 45 डिग्री ही होगा। और दूसरी बात, अब दो एंगल अगर इक्वल हैं तो इनकी दोनों साइड्स में रेशियो भी सेम होगी, ये वाली और ये, इनकी दोनों की लेंथ आपके पास इक्वल आएगी, यानी 1:1 इसकी रेशियोस क्या होंगी, 1:1। अच्छे तरीके से समझ लो तो फिर ये वाली साइड कितनी होगी, ये √2 होगी। अब आप पूछेंगे ये कैसे आया सर, तो आपको बता देता हूं जल्दी से बच्चे, आपने पैथागोरस थ्योरम लगाना है, पैथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके आपने इस साइड को मालूम कर लेना। मैं जल्दी से बताता हूं आपको, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमें मालूम करना है, परपेंडिकुलर 1 है, बेस भी 1 है, तो क्या आएगा 1+1 हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये बना 2, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गया। हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए तो क्या करेंगे, ये √2 के इक्वल आ जाएगा। जल्दी से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ओके, मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि आपको ये चीज आती है पहले से, ठीक है, जस्ट मैंने रिवाइज करा दी। अब ये बात आपको याद रखनी है बच्चों, इसी तरह से एक और ट्राइंगल, दो ट्राइंगल की वैल्यूज याद रखनी। पहली, अगर 45 डिग्री का एंगल राइट एंगल ट्राइंगल में आ गया तो उनकी साइड्स में क्या क्या रेशियो होगी, 1:1 और √2। इसी तरह से दूसरी ट्राइंगल हमारे पास हम बनाएंगे, लेकिन उसको डायरेक्टली हम नहीं लेंगे, एक ऐसी ट्राइंगल जिसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं उससे हम सीखेंगे। ये बच्चों एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी इसकी तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं और तीनों एंगल्स भी इसमें एक दूसरे से इक्वल होते हैं। ओके बच्चों, अब यहां पर ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी कितना है 60 डिग्री। इसी रिस्पेक्ट से इनकी थ्री साइड्स भी इक्वल होंगी। ओके, हम क्या सपोज कर लेते हैं, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, राइट। अगर आप यहां से ऐसे एक एंगल बाइसेक्टर ड्रा करते हैं इसके ऊपर, तो इसको भी 30 में स्प्लिट कर देगा, इसको भी 30 में स्प्लिट कर देगा, और ये वाले एंगल बच्चों आपके पास रह जाएंगे 60 डिग्री के, राइट। ओके, अब क्योंकि ये जो लाइन है ये भी दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगी, ये 2 की बजाय 1 इधर हो जाएगा और 1 इधर हो जाएगा, ठीक है, तो 1:1 में ये दोनों स्प्लिट हो जाएंगे। ओके, अब बच्चों देखो, इसमें से सिर्फ आप एक ट्राइंगल को निकाल लो साइड पे ऐसे, ये एक पार्ट, एक को हम छोड़ देते हैं, ये आ गया जी इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ठीक है, ये साइड कितनी है 2, ये साइड कितनी है 1, ये एंगल कितना है 60 डिग्री और ये एंगल कितना है 30। इसको स्किप करके एक ट्राइंगल हमने सेपरेट कर ली, तो ये अननोन साइड को निकालना आपके लिए कोई इशू नहीं है। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये √3 आएगा। कैसे आएगा? पैथागोरस थ्योरम को यूज करके आप ये फाइंड कर सकते हैं। बच्चों एक ट्राइंगल ये वाली जिसमें मैंने स्टार बना दी, इसकी मैं एग्जांपल नहीं दूंगा बच्चों, इससे जस्ट हमने यूज किया ये ट्राइंगल निकालने के लिए, दूसरी ये ट्राइंगल, ठीक है। ये वाली और ये वाली दो ट्राइंगल आपको अच्छे से आनी चाहिए और आप ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। ओके, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा बड़ा करके इसको ड्रा कर लेते हैं यहां पर, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये इसको 60 डिग्री, इसको 30 डिग्री, इसे √3 बोल देंगे, ठीक है बच्चों, इसे 1 बोल देंगे और इसे क्या बोल देंगे 2, ठीक है। ये दो ट्राइंगल अब आपने अच्छे से याद रख लेनी। ओके, अब देखिए यहां पर आपके पास मुख्तलिफ एंगल है, कोई 30 है, 330 है, ये हमारे पास 225 है, इसके अलावा 450 है, डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू दी हुई है। आप इनको यूज करते हुए फाइंड नहीं कर पाएंगे, आपको रेफरेंस एंगल की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब रेफरेंस एंगल क्या है आपको जल्दी से बता देता हूं बच्चों, रेफरेंस एंगल ऐसा होता है कि मान लीजिए ये आ गया आपके पास वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, अगर आपका एंगल आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो फिर आपका रेफरेंस एंगल कहां से होगा, करीबी एक्स एक्सिस से, ठीक है, और अगर आपका आता है सेकंड में तो करीबी एक्स एक्सिस से, अगर थर्ड में आता है तो फिर भी करीबी एक्स एक्सिस से, अगर फोर्थ में आ जाए तो फिर भी आप करीबी एक्स एक्सिस से रेफरेंस एंगल लेंगे, ठीक है बच्चा। ये रेफरेंस एंगल, ये रेफरेंस एंगल, ये रेफरेंस एंगल और यहां पर ये रेफरेंस एंगल, करीबी एक्स एक्सिस से रेफरेंस एंगल लेके आपने इसको सॉल्व करना है। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है हमारे पास tan of 30 डिग्री, ठीक है, तो
तो क्या करेंगे, आपने 30 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। यहां पर ये आ गया 30 डिग्री का एंगल, ठीक है बच्चों। टॉप से परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे आप यहां पे ऐसे, ताकि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए। अब देखिए यहां पर हम जानते हैं कि 30 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, 1, और 60 के सामने वाली साइड क्या होती है। अगर ये 30 डिग्री है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो फिर ये 60 होगा, इसके सामने ये साइड आती है अंडर रूट 3, ठीक है बच्चों। और ये हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। हम जानते हैं कि टेन का क्या होता है जी, फॉर्मूला टेन 30 डिग्री थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, टेन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर यहां पर 1 है और बेस है जी यहां पर अंडर रूट 3। तो ये आपको पहला पार्ट हो गया सॉल्व। सेकेंड पार्ट में कहा जा रहा है टेन ऑफ 330, टेन ऑफ 330 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो क्या करेंगे, हमने सबसे पहले एंगल ड्रा कर लेना है यहां पर, ठीक है। ये 0 होता है, यहां पर 90 होता है, यहां पर 180, यहां 270 और यहां पर 360। तो क्योंकि 330 270 से बड़ा है और 360 से छोटा है, तो यहां पर बनेगा, यहां से आप एंगल को लेकर आएंगे तकरीबन यहां पर ऐसे, ठीक है। ये बन गया हमारे पास 330 डिग्री। तो हम बच्चों रेफरेंस रेफरेंस एंगल की हेल्प से क्योंकि इसको फाइंड करते हैं, तो रेफरेंस एंगल हमारा करीबी एक्स एक्सिस से होता है। ये करीबी एक्स एक्सिस से एंगल कितना होगा, 30 डिग्री, क्योंकि टोटल 360 था, 330 तो ये रहा, फिर ये 30 होगा, ठीक है। टॉप से परपेंडिकुलर ड्रा किया हमने यहां पर, ताकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए, ठीक है बच्चों। अब 30 के एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, 1, और राइट एंगल ट्राइंगल में एक 30 है तो दूसरा 60, 60 के सामने वाले क्या साइड होगी बच्चों हमारे पास, फिर अंडर रूट 3। ये देखें 60 के सामने वाली साइड अंडर रूट 3, हाइपोटेन्यूज होता है 2। अब यहां पर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, हम जानते हैं कि टेन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा आंसर इसका, टेन 330 डिग्री थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। परपेंडिकुलर क्या है यहां पर, ये, लेकिन ये नेगेटिव वाई एक्सिस पर है, इसलिए इसके साथ -1 लगाएंगे, ठीक है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। बेस क्या है इसकी, अंडर रूट 3। तो बच्चों इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब 3 में क्या है? कहा जा रहा है सीकेंट 330 डिग्री, सेम क्वेश्चन उसी तरह से है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज है। ये हमारे पास 0, 90, 180, 270 एंड 360 आ गया। यहां पर बनेगा हमारे पास ये 30 डिग्री का एंगल, ठीक है बच्चों। इसी तरह से टॉप से आपने परपेंडिकुलर ड्रा करना है, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब अगर ये 30 है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो ये 60 होगा। 30 के सामने वाली साइड क्या होती है, 30 के सामने वाली साइड 1 होती है, ठीक है, और 60 के सामने वाली साइड, ये 60 डिग्री का एंगल, इसके सामने अंडर रूट 3 आ जाएगा, ये साइड होती है 2। अब सीकेंट को डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, पहले हम कॉस फाइंड कर लेते हैं। कॉस का हमें रिलेशन आता है ना, ठीक है, कॉस 330 डिग्री की क्या वैल्यू है, पहले वो मिलेगी, उसका रेसिप्रोकल करके सीकेंट फाइंड कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो कॉस ऑफ 330 डिग्री किसके इक्वल हुआ, कॉस का रिलेशन आपको आता है कर्ली ब्राउन हेयर, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब इसके अंदर बेस कौन सी है, असल एंगल हमारा 30 है, इसके सामने होता है परपेंडिकुलर। अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगी, ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है 2, ये आ गया, ठीक है। अब हमें कॉस का रेसिप्रोकल चाहिए, वो होता है हमारे पास सीकेंट, सीकेंट 330 इज इक्वल टू होनेगा 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। इस तरह से आपने इसको भी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कॉट ऑफ 4 पाई बाय 4। अब बच्चों पाई बाय 4 का क्या मतलब होता है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, डिवाइडेड बाय 4 कर ले तो क्या आंसर मिलेगा आपको, 45 डिग्री का एंगल मिलेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, फाइंड कॉट ऑफ 45 डिग्री। सबसे पहले 45 डिग्री का एंगल ड्रा कर ले, यहां पर आ गया हमारे पास ये, लेट सपोज 45 डिग्री, ठीक है बच्चों। टॉप से परपेंडिकुलर ड्रा किया, एक 90 डिग्री का एंगल यहां पर बन गया, सही है। तो हम जानते हैं कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 45 है, तो दूसरा एंगल भी क्या होगा, ये भी 45 होगा। और अगर ये दोनों 45 है, तो इनकी दोनों साइड में जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी, यानी ये वो रेशियो यहां पर है, वही रेशियो यहां पर होगी। इसी रिस्पेक्ट से हम इसको 1 और 1 लिखते हैं, यहां पर फिर वो क्या होगा, अंडर रूट 2। ये डायग्राम आपको याद होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। अब इसमें हमने कॉट डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, तो पहले टेन मालूम कर लेते हैं, फिर उसका रिवर्स ले लेंगे। तो टेन अगर होता 45 डिग्री पे, तो क्या होता, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर 1, बेस क्या है 1,
रेसिप्रोकल ले ले इसका, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट ऑफ 45 डिग्री। तो नीचे वाला मान ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला मान नीचे आ जाएगा, फिर भी वही चीज रहेगी। तो आपको आंसर क्या मिलेगा बच्चों, कॉट 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा कॉज ऑफ 2π/3। ठीक है बच्चों, अब कॉस 2π/3 को कैसे फाइंड करेंगे, 2 × π की वैल्यू कितनी होती है, 180/3, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, 0, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया बच्चों हमारे पास, कॉस ऑफ 120 डिग्री। इसको भी हम रेफरेंस एंगल की हेल्प से फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले ये 0, ये 90 और ये 180, 270 और 360 आ गया। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, हमने बनाना है 120, 90 से बड़ा होता है, 180 से छोटा होता है, तो यहां पर बनेगा ये ऐसे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास कितना एंगल, 120, लेकिन रेफरेंस एंगल से हमने इसको सॉल्व करना होता है। तो ये करीबी एक्स एक्सिस है, यहां से यहां तक फासला कितना है 60, क्योंकि टोटल है यहां से यहां तक 180, जिसमें से ये वाला एंगल 120 है, तो फिर ये 60 डिग्री होगा। अब यहां टॉप से मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा ताकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए। ये बन गई हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक एंगल 60 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा 30, ये फिर 30 होगा, ये 90 है। ठीक है, तो अब देखिए 60 के सामने साइड कौन सी होती है, अंडर रूट 3, ये 60 है, इसके सामने वाली साइड की लेंथ कितनी होगी, अंडर रूट 3 राइट एंगल ट्राइंगल में, और ये 30 के सामने वाली साइड क्या होगी, 1 होगी, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 2 होगा। ठीक है बच्चों, अब कॉस की वैल्यू हमने निकालनी है, कॉस ऑफ 120 किसके इक्वल होगा, आप जानते हैं कॉस का फॉर्मूला, कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यहां पर बेस क्या है 1, लेकिन वो 1 अलोंग द नेगेटिव एक्सिस है, इसलिए -1 आएगा, -1 डिवाइडेड बाय क्या है, कर्ली ब्राउन हेयर, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास 2, ये रहा हाइपोटेन्यूज। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने इसको भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, आपने अगेन कॉसिकेंट 2π/3 है, कॉसिकेंट 2π/3, 2π/3 हम जानते हैं कितना होता है हमारे पास बच्चों, कॉसिकेंट ऑफ 120 डिग्री। तो इसको डायरेक्टली सॉल्व करने से बेहतर है आप पहले इसको साइन में चेंज कर लें, बाद में इसका उल्ट कर लेंगे हम, यानी रेसिप्रोकल। तो इसकी वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं, राइट। तो आपने एंगल ड्रा करना है सेम उसी तरह से जिस तरह से अभी हमने किया था, यहां पर आ गया ये 120 डिग्री। ठीक है, अब यहां से यहां टोटल होता है 180, तो रेफरेंस एंगल हमारा क्या बनेगा बच्चों, यहां पर 60 डिग्री बनेगा। टॉप से परपेंडिकुलर ड्रा किया हमने, तो ये बन गई हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। अगर एक एंगल राइट एंगल ट्राइंगल में 60 का है तो फिर ये 30 होगा। ठीक है, 60 के सामने कौन सी साइड होती है, अंडर रूट 3 वाली, और 30 के सामने 1 वाली, ये 30 है, उसके अपोजिट ये 1 आ गया, तो हाइपोटेन्यूज होता है 2। तो देखिए बच्चों, cos 120 में sin 120 में क्या आएगा, sin ऑफ 120, कर्ली ब्राउन हेयर, ठीक है, सॉरी सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्या है इसके ऊपर, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, अंडर रूट 3। ठीक है, सम पीपल हैव हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास, 2 है, लेकिन हमें क्या चाहिए बच्चों, कॉसिकेंट चाहिए ना के साइन चाहिए, रेसिप्रोकल ले लेंगे, कॉसिकेंट इज इक्वल्स टू 2/√3, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसिकेंट। अगर साइन इसके इक्वल है तो फिर कॉसिकेंट इसके उल्ट के इक्वल होगा, 2 ऊपर चला गया, ये अंडर रूट 3 नीचे आ गया, कॉज ऑफ -450 डिग्री। ठीक है, इसको बच्चों ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस, ठीक है, यहां माइनस का 0, माइनस 90, माइनस 180 और माइनस का 270, माइनस का 360। यहां से हम एंगल को स्टार्ट करेंगे, ये हमारा एक राउंड कंप्लीट हुआ, तो ये 360 एंगल कंप्लीट हो गया, 360 में 90 ऐड करते हैं तो 450 बनता है, तो 90 ऐड करके यहां पर आपके आगे वर्टिकल लाइन के ऊपर। तो याद रखो बच्चों, वर्टिकल लाइन के ऊपर कॉस की सारी वैल्यू जीरो होती हैं, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन पर सारे साइन जीरो होते हैं, तो यहां पर क्योंकि ये वर्टिकल लाइन के ऊपर आ गया तो इसलिए यहां पर इसकी वैल्यू होगी जीरो, तो कॉस ऑफ -450 इज इक्वल टू 0, टेन ऑफ -9π। ठीक है, टेन ऑफ -9π। तो अब बच्चों एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हम ड्रा कर लेंगे ऐसे, तो हमारा नेगेटिव एंगल है तो यहां से स्टार्ट करेंगे, 1π, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π, 7π, 8π,
ये आ गया हमारा 9 पाई। तो ये इस वक्त जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर मौजूद है, ठीक है। तो याद रखे हॉरिजॉन्टली साइन के इस तमाम वैल्यू जो है वो क्या होती है, जीरो, ठीक है। इस लाइन के ऊपर साइन की तमाम वैल्यूज क्या होती है, जीरो। यहां पर भी साइन क्या होता है जी, जीरो, ठीक है। लेकिन यहां पर कॉस क्या होता है, कॉस की वैल्यू यहां पर नेगेटिव एक्सिस पर नेगेटिव वन होती है और कॉस की वैल्यू यहां पॉजिटिव एक्सिस पर पॉजिटिव वन होती है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। इसी तरह यहां जो वर्टिकल एक्सिस है यहां पर कॉस की वैल्यू जीरो होती है और साइन यहां पर प्लस वन होता है, और नेगेटिव एक्सिस पर कॉस की वैल्यू जीरो और साइन की वैल्यू यहां पर माइनस का वन होगी। ये वैल्यू आपने याद रखनी है। अब हमें यहां पर इस पॉइंट के ऊपर टेन की वैल्यू चाहिए। तो टेन कैसे मिलता है बच्चों आपको, टेन मिलता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे टेन ऑफ माइनस 9 पाई इज इक्वल टू क्या होगा, साइन माइनस 9 पाई कॉस माइनस 9 पाई। तो जब इसकी वैल्यू जीरो होगी तो ऑटोमेटिकली इसकी सारे की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। नीचे कुछ भी वैल्यू है आंसर क्या मिलेगा आपको, जीरो, क्योंकि ऊपर वैल्यू जीरो आ गई है, ठीक है बच्चों। इस तरह से इसका आंसर आएगा जीरो, कॉस ऑफ माइनस 5 पाई डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। 5 पाई बाय डिवाइडेड बाय 6 क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू पुट करें 180 डिवाइडेड बाय 6, 6 वन द 6 एंड 6 थ्री द 18 जीरो। तो बच्चों क्या आंसर मिलेगा आपको, 150 मिलेगा। तो आपने वैल्यू फाइंड करनी कॉस ऑफ माइनस 150 डिग्री की, ठीक है। ये वैल्यू आपने फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे आप, चलो ना आपने सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा कर ले, ऐसे हमने ड्रा कर लेनी है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये माइनस 150 है, तो बच्चों माइनस का एंगल क्योंकि यहां से स्टार्ट होता है, यहां जीरो लिखें, माइनस 90 माइनस का 180 माइनस का 270 और ये माइनस का 360 डिग्री। 150 कहां पर बनेगा, यहां से चलते हुए कहीं 180 के करीब करीब यहां बनेगा, ठीक है। तो ये बन गया माइनस 150 डिग्री। ये कितना एंगल होगा बच्चों, ये 30 डिग्री का एंगल है। ये टॉप से परपेंडिकुलर ड्रा कर ले आप यहां पर, ठीक है। ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना दी। तो हम जानते हैं कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 है तो बाकी एक 30 है तो बाकी क्या होगा, ये वाला 60 डिग्री होगा, ठीक है। ओके, अब 30 के सामने क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस पर है तो नेगेटिव 1 आएगा। ओके, इसी तरह से बच्चों अगर हम बात कर लें इसके बेस की, तो देखिए 60 डिग्री के सामने वाली क्या होती है, अंडर रूट 3। ये 60 डिग्री है, ये इसके सामने साइड है तो अंडर रूट 3, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस पर है तो नेगेटिव लगा दें इसके साथ, ठीक है। अब आप मालूम कर लें जी कॉस की क्या वैल्यू होती है, कॉस माइनस 150 इज इक्वल टू कर्ली ब्राउन हेयर, बेस क्या है इसकी, बेस है माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कितना होता है, 2 इसका, ये देखिए हाइपोटेन्यूज 2, तो यहां पर लगा देंगे 2 आपके पास, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये वाला आंसर भी आ गया। अब हम बढ़ते हैं अपने साइन 7 पाई बाय 6। तो 7 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिवाइडेड बाय 6, 6 वन द 6, 6 थ्री द 18 और 0, 7 थ्री द 210 हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो हमें क्या फाइंड करना है, साइन ऑफ 210 की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे हम, देखिए गौर से जरा बच्चों, साइन 210 की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप इसको ड्रा कर लेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर। तो ये 210 कैसे बनेगा आपके पास, आपको पता है यहां से आप चलते हैं, ये आपने 90 बना दिया, ये 180 हो गया। अब 180 में कितने 30 ऐड करते हैं तो आपके पास ये एंगल आ जाता, तो यहां पर आपके पास ये एंगल आ गया, ठीक है। ये एंगल कितना है, 30 डिग्री, क्योंकि यहां से यहां तक 180 और 180 में 30 ऐड करें तो ये हमारे पास बनता है, ठीक है। तो रेफरेंस एंगल क्या आएगा हमारे पास, यहां से यहां तक करीबी एक्स एक्सिस के पास ये आ गया 30 डिग्री। तो यहां पर आप टॉप से परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे ताकि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए। ओके बच्चों, 30 के सामने वाली साइड होती है 1 और हम जानते हैं कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 30 है तो दूसरा कितना होगा, 60। 60 के सामने वाली साइड कितनी होती है बच्चों, अंडर रूट 3 होती है, राइट। ये हमारे पास इसकी ट्राइंगल बन गई। ओके, अब हम जिसकी वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे, साइन ऑफ 210 डिग्री किसके इक्वल है, तो हम इसी रेफरेंस एंगल की हेल्प से इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। अब यहां परपेंडिकुलर क्या है ये, अब देखिए परपेंडिकुलर क्योंकि अलोंग द नेगेटिव एक्सिस है तो माइनस 1 आएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है इस ट्राइंगल के अंदर, आपको पता है 2 होता है यहां पर, तो यहां पर आप क्या लगा देंगे, 2। ये ट्राइंगल आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास माइनस 1/2 आंसर आ गया। इसी तरह से बच्चों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉट
सेवन पाई बाय सिक्स, ठीक है। सेवन पाई बाय सिक्स को कैसे सॉल्व करेंगे, सेवन मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह 180 पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय सिक्स आ गया, सिक्स वन द सिक्स, सिक्स थ्री द 18 और जीरो मल्टीप्लाई करिए बच्चों तो क्या आएगा 210। तो ये फाइंड करना है आपको कॉज ऑफ 210 डिग्री, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आपने इस तरह से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा कर लेने हैं, 210 का एंगल कहां बनता है बच्चों आप जानते हैं, अभी अभी आपने बनाया था, ये बन गया हमारे पास, ठीक है, ये बन गया जी हमारे पास 210 का, जिसमें यहां से लेकर यहां तक एंगल कितना है, ये 180 है, और ये रेफरेंस एंगल कितना बनता है हमारे पास, ये बन जाता है जी हमारे पास 30 डिग्री का, क्योंकि 180 में 30 ऐड करते हैं तो हमारे पास ये बनता है, ठीक है। यहां पे आपने ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है ताकि ये राइट एंगल ट्रायंगल में चेंज हो जाए, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 30 है तो दूसरा क्या होगा 60 डिग्री का होगा, 30 के सामने वाली साइड को 1 कहते हैं, नेगेटिव एक्सिस पर होने की वजह से माइनस कर दिया, 60 डिग्री के सामने वाली साइड को अंडर रूट 3 कहते हैं, नेगेटिव एक्सिस में होने की वजह से माइनस कर दिया, हाइपोटेन्यूज कितना होता है हमारे पास 2 होता है, ओके। फाइंड क्या करने जा रहे हैं हम, कॉस की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, तो कॉस ऑफ 7 पाई बाय 6 फिर किसके इक्वल होगा, करली ब्राउन हेयर, करली ब्राउन हेयर बेस क्या है माइनस का अंडर रूट 3, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास 2, तो ये आ गया बच्चों हमारे पास इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा कॉस ऑफ 225। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रा कर लिए, अब 225 का मतलब क्या है जी, यहां से चलेंगे आप, ये बन गया हमारा 180, ठीक है, 180 में 45 ऐड करते हैं तो हमारे पास 225 बनता है, तो यहां पर बनेगा जी हमारे पास ये 180 में कितना ऐड करें 45 डिग्री ऐड करें, ठीक है। तो 180 हमारा रेफरेंस एंगल कितना बना 45, रेफरेंस एंगल की हेल्प से हम इसको फाइंड कर लेंगे, ठीक है। यहां पर इसका जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री हमने टॉप से परपेंडिकुलर ड्रा किया है इसके ऊपर, राइट, ओके बच्चों। अब देखिए यहां पर ये वाली ट्रायंगल इस्तेमाल होगी, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल 45 है तो डेफिनेटली दूसरा भी क्या होगा 45 ही होगा, और ये साइड दोनों की इक्वल होंगी, इक्वल रेशियो होने की वजह से 1-1 का नाम देंगे। अब ये अलोंग द नेगेटिव एक्सिस है तो -1, ये भी अलोंग द नेगेटिव एक्सिस है तो -1 आ जाएगा बच्चों हमारे पास, ओके। हमें क्या फाइंड करना है, कॉस फाइंड करना है, ये वाली साइड क्या होगी हमारे पास अंडर रूट 2, ये देख सकते हैं आप, ओके। तो कॉस ऑफ 225 फिर किसके इक्वल होगा, कर्ली ब्राउन हेयर बेस क्या है इसकी, ठीक है, बेस है बच्चों हमारे पास ये -1, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, ये हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 2, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, कॉस 225 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2।